जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विद हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। द पर्सन यू आर हेलो हजरत, हेलो, वो उठा ही नहीं रहा है कॉल, नंबर ही लग रही है उसका। देखो मैं आपको बताऊं, कोई भी बैंक वाला कभी भी एडवांस पैसे नहीं लेता। हाँ। दूसरी चीज ये है कि बैंक का जो लोन होता है ऐसे फोन पे बात नहीं होती। हाँ। बैंक अगर 5 लाख का लोन देती है तो उसके लिए 4 प्रोसीजर होते हैं। हाँ। पहला प्रोसीजर होता है मतलब इन्वेस्टिगेशन, मतलब आपकी इन्वेस्टिगेशन होगी कि आप कहाँ रहते हैं, कहाँ क्या कारोबार है, आप किस पर्पज से लोन ले रहे हैं। अच्छा। दूसरा होता है अप्रूवल, अगर आपका सारा चीज ठीक हो जाता है तो आपका फिर अप्रूवल होगा वो। हाँ। कि आपका लोन अप्रूव हो गया, ठीक है ना। हाँ। उसके बाद फिर आपकी होगी पुलिस वेरिफिकेशन। हाँ। पुलिस वेरिफिकेशन के बाद मैनेजर साइन करके देता है कि हाँ इनका लोन क्लियर हो गया। हाँ, उसके उसके 40 दिन के अंदर अंदर आपका लोन अकाउंट में आता है। हाँ। ये होता है बैंक का प्रोसीजर। हाँ, ये अदालत मैंने उनका बताया। पहली चीज सुन लो। दूसरी चीज ये है कि एक होता है प्राइवेट लोन। अच्छा। तो प्राइवेट लोन तो 35% 36% ब्याज लगाते हैं वो। ठीक है। हाँ। तो उसमें क्या होता है वो आपका ब्याज लगाते हैं, और ब्याज लगाने के बाद उनको उसकी जरूरत नहीं होती है अप्रूवल वगैरह की, वो आपको लोन दे देते हैं। ठीक है। लेकिन उसमें आपका आधार कार्ड और उसमें एक बंदा आपके घर पे आकर के चेक करके जाता है। अच्छा। ठीक है। हाँ। तो ये है मामला। तो लोन कभी भी ऐसे आपको नहीं मिलेगा कि आप 4,000 रुपए दो या 5,000। 4,000 रुपए का क्या मतलब होता है? वो तो हजरत मैंने समझाया उनको, मैंने बोला ऐसे तो लोन मैंने कभी देखा ही नहीं है कि वो कौन सा मांग रही है। तो मैंने उनसे बोला ये, वो ये कह रहा है ये 5 लाख 12 हजार दूंगा, तो मैंने बोला कि उससे ये बोलो कि 4 हजार वो उसी में से काट ले। अरे वो चूतिया बनाने वाली बात है, वो 4,000 रुपए खा जाएगा, इनका फ्रॉड है वो। वही तो उनने अपनी आईडी वीडी सब भेज दी, पता नहीं कौन सी आईडी भेज दी, उन्होंने नंबर और भेज अगर दिया। आईडी वाईडी भेज दिए तो और फंस जाएगा वो, उसकी आईडी से कुछ भी मिस यूज कर सकता है वो। वही तो इन्होंने अपनी, अभी आपने देखा नहीं, मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो डाली थी मुंबई में, जो हाँ इसी तरीके से फ्रॉड किया था, उसके साथ उससे 8,000 रुपए मांग रहे थे। हजरत वही तो आपकी वीडियो देखी थी। अच्छा देखो अभी ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, हॉस्पिटल में हूँ अभी मैं, अच्छा हजरत, वो बच्ची के चक्कर में। ठीक है ठीक तो है। आपसे गुजारिश है कि आप लोग थोड़ा सा यार ध्यान दो, थोड़ा उसके लिए चंदे वगैरह का, अच्छा थोड़ा अच्छा जकात वगैरह जो निकाले उनको बोलो, थोड़ा चंदा करवाओ, बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है। इसके चक्कर में मैं दर दर फिर रहा हूँ, 17-18 लाख का खर्चा है इसके इलाज में। अच्छा हजरत, तो थोड़ा सा आप ध्यान दो। वीडियो देखी आपने? हाँ वीडियो देखी हुई थी ने, बच्ची की वीडियो देखी। हाँ देखिए। फिर देख के क्या किया आपने? देख के मतलब तो थोड़ा अकाउंट में थे, मैंने मैंने डाल लिए, तो बाकी मैंने वीडियो ऑफ में। हाँ बाकी जो भी है अकाउंट में जो भी जकात वगैरह भी निकालते हैं उनको बोलो अभी निकाल दे, रमजान का वो ना देखें। हाँ ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दे दें, बड़ी मेहरबानी। बच्ची 12 पारों की हिफ्ज किया हुआ है, और ठीक। माशाल्लाह अभी वो हॉस्पिटल में भी पढ़ाई उसकी जारी है। अच्छा तो थोड़ा सा आप ध्यान दें। ठीक है। ठीक है हजरत, चलिए अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और उनको पैसा देने से पहले एक बार मेरी बात करवाइएगा, और उनसे कहिएगा आपने डॉक्यूमेंट जो दिए हैं वो व्हाट्सएप से डिलीट मार दें। एक सेकंड हजरत, एक बार कॉल लगाता हूँ, एक सेकंड शायद उठा ले। ना ना अलाउद्दीन। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। The person. हाँ हजरत, बात कीजिए। हेलो अलादीन भाई, बात कर लेना आ रहा। हाँ हजरत, बात कर लीजिए। हेलो। हाँ भैया, मैंने कहा कि कोई बैंक वाला आपसे कुछ पैसे मांग रहा है लोन पास कराने के लिए। हाँ। देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि मैं मेरे घर में खुद बैंक के कार्यकर्ता मौजूद है, चार्टर्ड अकाउंटेंट मौजूद है मेरा साला। बैंक कभी भी इस तरीके का, हेलो, बैंक कभी भी इस तरीके का ना तो कॉल करता है और ना ही फोन पर बैंक कभी भी लोन अप्रूव करता है।
पहली बार। तो उसने जो लोन जो अभी मैसेज भेजा है तुम्हारे पास इन भैया ने, हाँ तो वो लोन क्लियर हो गया क्या? नहीं देखिए, लोन अगर क्लियर होता है ना तो उसके चार प्रोसीजर होते हैं। अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो आपको एक फॉर्म भरना होता है, ठीक है? ऑनलाइन करा था। मेरी बात सुनिए, कौन सा बैंक है उसमें लिखा हुआ होगा देखो। नहीं ये फ्रॉड है, सुनिए। बैंक कभी भी लोन देता है तो उसके चार प्रोसीजर होते हैं। एक कि उसको फॉर्म ऑनलाइन नहीं, फॉर्म जाकर के ऑफिस में भरना होता है। दूसरा आपकी इन्वेस्टिगेशन होगी, जो आपके घर पे आएंगे, चेक करेंगे और आपका घर देखेंगे, दुकान देखेंगे। अगर आपने होम लोन लिया है तो घर देखेंगे, दुकान के लिए सारा कुछ आपसे पूछताछ करके एक फाइल बना के वो लेके जाएंगे। तीसरा आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगी, ठीक है? जी। पुलिस वेरिफिकेशन के बाद वो बैंक मैनेजर उसको फाइनल करेगा, तब 40 दिन के अंदर अंदर आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। सर ये बताओ मुझे, जैसे अभी जो मैसेज भेजा है तुम्हारे पास, उसका कोई दिक्कत तो नहीं है? उसका दिक्कत नहीं है, अगर आपने उसको अपने डॉक्यूमेंट भेज दिए। सुनो एक मिनट को लाइन पे रहना, सुनना खाली, मैं उससे बात करता हूँ, आप खाली लाइन पे सुनना उसको, ठीक है? लगाओ कॉल, लगाओ उसको, वो फ्रॉड आदमी है। अगर आपने उसको आधार कार्ड, पैन कार्ड या कुछ भी आपने उसको भेज दिया ना अपना ऑनलाइन, तो वो उसका मिस यूज करेगा वो। इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो आ रही है एंड कॉन्फ्रेंस कॉल, और कीप कॉन्फ्रेंस कॉल। कॉन्फ्रेंस करो, कट गया ऐसे। तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट उसको देना नहीं है अपना? नहीं दे दिया मैंने। अगर आपने दे दिया है तो आपसे वो पैसे की मांग करेगा। अगर आप उसको पैसे देने में टालम टोली करोगे तो वो आपको धमकी देगा कि तेरे डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, डराएगा आपको। हेलो हेलो हेलो, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, हाँ। तो आपने क्या क्या दिया उनको? ना ना वो आए बैंक वाले। अच्छा अच्छा अच्छा, योर नेम सर? माय नेम इज मिस्टर पंकज सिंह भदौरिया। पंकज सिंह भदौरिया, हुआ वे आर विच क्या? वे आर विच, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मुंबई महाराष्ट्र से। मुंबई महाराष्ट्र, कौन सा बैंक है आपका? धनी फाइनेंस। धनी फाइनेंस। ये धनी फाइनेंस, ये जो फ्रॉड का काम आपने कब से शुरू किया है? कौन बोला कि फ्रॉड कर रहे हैं? आई एम जमशेद अली कादरी, एडवोकेट ऑफ इंडिया, दिल्ली हाई कोर्ट। अच्छा, यस। आई वार्निंग यू, मेरी बात सुनिए, आज के बाद अगर आपने इस तरीके का फ्रॉड कॉल किया, ये जो तुम्हारा धनी बैंक है ना, किसके पास कॉल किया जो बताओ? पहली बात तो तुम अपनी लैंग्वेज देखो, कोई भी बैंक का अधिकारी इस तरीके से बात नहीं करता है। मैंने किसके साथ फ्रॉड किया वो बता सकते हो ना? हाँ अभी, क्या नाम है उनका? अलाउद्दीन अली अंसर मंसूरी। से आपने डॉक्यूमेंट्स लिए? हाँ जी, डॉक्यूमेंट लिए। मैंने किस पर्पज से, एक मिनट, किस पर्पज से डॉक्यूमेंट्स लिए आपने? लोन करवा रहे थे इसलिए लिया। कौन सा अधिकारी उनके पास आया था चेक करने के लिए कि वो बंदा ठीक है, उसका घर वहीं पर है, उसका गांव वहीं पर है? कौन सा अधिकारी आपने भेजा उसके घर पे? धनी फाइनेंस कंपनी का जो ऑनलाइन रिक्वायरमेंट होती है, ऑनलाइन के माध्यम से लोन होती है। मुझे मत सिखाओ ऑनलाइन मार्केट क्या होती है, ऑनलाइन नहीं होती। मैंने क्या पूछा, 5 लाख का लोन अगर तो आप दे रहे हो तो आपने किस आधार पे दिया उनको? आधार कार्ड पैन कार्ड पे दिया। आधार कार्ड पैन कार्ड फ्रॉड नहीं बनता है? आधार कार्ड फ्रॉड बना के दिखाऊं मैं आपको अभी? ये चुतिया बनाने का काम कब से कर रहे हो तुम लोग? चुप रहो, मैं इसकी कॉल रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसको मैं घसीटूंगा। कहाँ से बात कर रहे हो, एड्रेस पूरा बताओ। हाँ जी भदौड़िया साहब, हेलो, भाग गया। ये एक नंबर के फ्रॉड आदमी है। मुझसे ये कह रहे हैं, सुनो तो, हाँ, मुझसे ये कह रहे हैं आप नहीं दो पैसे तो आपको 4,000 रुपये महीना भरना पड़ेगा। जनाब 4,000 रुपये, आपने उसको डॉक्यूमेंट्स दिया क्यों? आपको इतना दिमाग होना चाहिए कि महाराष्ट्र में बैठ के वो आपको 5 लाख का लोन दे देगा। और कोई भी आदमी, मैं जैसे दिल्ली से बात कर रहा हूँ, तो मैं आपको बिना जाने पहचाने 5 लाख का लोन दे दूंगा आपके अकाउंट में? ये बताओ मुझे, 5 लाख रुपए कुछ होता नहीं है क्या? और ये देखो, क्या करना चाहिए इसमें? इसमें आपने गलती ये करी, उसको डॉक्यूमेंट्स दिया, उसको सारे डॉक्यूमेंट्स आप डिलीट करिए और ऐसे फ्रॉड के खिलाफ आप एक एप्लीकेशन लिखिए। सुनिए मेरी बात,
एक एप्लीकेशन लिखिए, इसका नंबर लिखिए उसमें, एप्लीकेशन में ये लिखिए, श्रीमान थाना SHO साहब, मेरा नाम ये है और मैं ग्राम विकास अधिकारी यहाँ से बात कर रहा हूँ, ये मेरा गांव है, ये मेरा जिला है, ठीक है, और मुझे ऐसे फ्रॉड कॉल आई थी बैंक के लोन देने के लिए, जिसके लिए मैंने ना समझी में अपने डॉक्यूमेंट इसको दे दिए, और ये थाने बंदा, में देना पड़ेगा बैंक हाँ में? थाने में, बैंक में नहीं, थाने में, थाने या फिर ये पास वाला थाने में इसलिए देना पड़ेगा कि अगर ये आपके डॉक्यूमेंट्स का कोई गलत तरीका इस्तेमाल करता है तो आपके पास एक प्रूफ होगा कि मैंने FIR करी हुई है, इसकी शिकायत करी हुई है थाने में, समझे नहीं समझे? अच्छा, तो ना समझी में मैंने अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड इस शख्स को दे दिया है, अगर ये इसका कोई मिसयूज करता है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी, मेरी आपसे निवेदन है कि इस बंदे पे आप सख्त से सख्त कार्रवाई करें, ये फ्रॉड काम कर रहे हैं, इसका नंबर दे देना और ये एप्लीकेशन लिख के थाने में जाके मोहर लगवा करके रसीद अपने पास रख लेना। और पैसा तो गलत मत डालना, कुछ ही फाइनल पैसा लगेगा, बिल्कुल भी मत डालना, ये सब चूतिया बनाने वाले, देखो कैसे भागा ये, अगर ये सही होता ना फाजिल भाई, फाजिल भाई शाम को चलेंगे थाने। और दूसरी बात सुनो, दूसरी बात ये है कि धनी बैंक ऐसा कोई बैंक नहीं है, आपको अगर कोई धनी बैंक बता रहा है तो आपको फौरन गूगल पे जाके उसका सर्च मारना चाहिए कि धनी बैंक ऐसा कोई गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, ऐसा तो कोई बैंक है ही नहीं। नहीं मैंने भी सुना, आज तक सुना ही नहीं कभी धनी बैंक, ये क्या है, फ्रॉड है, ये महाराष्ट्र से बात नहीं कर रहा, अगर इसकी जांच निकालोगे तो ये कहीं जामताड़ा से कहीं से बात कर रहा है, ये मैंने इसकी लोकेशन देखी है लाइव। अब ये पता नहीं इनने कौन सा आधार कार्ड पैन कार्ड फोटो भेजे, किसी और भेज दिया, अपना भी नहीं भेजा इनने। पहली बात तो ये है कि उसको वहां से डिलीट करो, पैन कार्ड आधार कार्ड आप अपना डिलीट करो उसका, और इसका नंबर वो कर दिया मैंने डिलीट, हाँ ठीक है, और एक एप्लीकेशन जैसे मैं बता रहा हूँ, सुनो अदिल भाई रिकॉर्ड कर लो, ऐसे लिखना है आपको, हाँ सेवा में थाना SHO साहब, थाना में SHO साहब, आपसे निवेदन इस प्रकार है कि मेरा नाम ये और मैं इस गांव का निवासी हूँ, मेरा जिला ये है, निवेदन इस प्रकार है कि मैंने ना समझी में एक शख्स को जिसने मुझे बैंक अधिकारी बन के कॉल किया और मुझसे बड़ी मीठी मीठी बात करके लोन के ताल्लुक से मुझे फंसाया, और ना समझी में मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स इस नंबर पर इस शख्स को सेंड कर दिए, तो जब मुझे पता लगा कि ये शख्स फ्रॉड है तो आपसे निवेदन इस प्रकार है कि इस शख्स की कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए इसके ऊपर, और मैंने जो डॉक्यूमेंट्स ना समझी में दे दिए हैं, अगर ये शख्स उसका कोई गलत उपयोग करे, ठीक है, तो उसकी जानकारी मैंने आप तक पहुंचा दी, आप इस शख्स के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, आपकी अति कृपा होगी, धन्यवाद। अपना नीचे नाम लिख देना और नीचे अपना फोन नंबर लिख देना बस, ठीक है, शाम को थाने में दे दो, ऑनलाइन भी कर सकते हो आप गूगल अच्छा, पे अच्छा यूट्यूब पर, हाँ हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है यूट्यूब पर जाकर के, आप YouTube पर जाकर के आप देख सकते हो कि ऑनलाइन FIR कैसे करें, सारा प्रोसीजर पता लग जाएगा, आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। और ये कभी भी इस तरीके की शख्स से, कभी भी इस तरीके के कॉल से आप लोग बचे, खुद भी बचे, दोस्तों को भी बचाएं, ठीक है हजरत। बाकी हजरत ये रिकॉर्डिंग जो आपने करी या मुझे जरा सेंड कर, हाँ ठीक है मैं सेंड कर दूंगा, और इसको मैं यूट्यूब पर भी डालूंगा ताकि लोग इनसे बचें, 40,000 50,000 60,000 रुपए की ये लोग मांग करते हैं, फ्रॉड करते हैं, वो तो आपने मुझे कॉल कर लिया, मैं फ्री था, मैं हॉस्पिटल में हूँ, तो मैंने आपका कॉल उठा लिया, नहीं तो आप पैसा इसको ट्रांसफर कर देते। अरे इनसे उसने बोला कि 1 घंटे के अंदर डालो, नहीं चली जाएगी। हाँ हाँ मैं समझ गया आपकी बात, आप एक काम करो, जो नंबर है ना उसका शख्स का नंबर है, हाँ वो मुझे व्हाट्सएप पे दो, उसका नंबर डालूंगा मैं यूट्यूब पर, लोग उससे बचेंगे। मैंने नंबर डाल दिया, सब आधार कार्ड सब डाल दिया मैंने, हाँ ठीक है मुझे भेज दो, सारा कुछ भेज दो व्हाट्सएप पे, मैं ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डाल देता हूँ, ठीक है, भेज दिया मैंने, भेज दिया, ठीक है, सलाम वालेकुम।